मकर संक्रांति के पहले पतंग का बाजार सज गया है, लेकिन इस बार जो व्यापारी हैं वो महंगाई की मार से परेशान है। हम उज्जैन के तोपखाना इलाके में मौजूद हैं। यहाँ पर जो ये बाजार है पूरा पतंगों का बाजार है। हमारे साथ दुकान के संचालक अन्नू भाई हैं। भाईजान, ये जो पतंग बाजार है इस पर कुछ महंगाई का असर पड़ा है? रॉ मटेरियल महंगा होने से और लेबर महंगी होने से पतंग महंगी हो गई। अच्छा, मांझे पे क्या असर पड़ा? मांझा अब सिर्फ काटन ही बेच रहे हैं, क्योंकि पहले नायलॉन बिकता तो बंद कर दिया हम सब व्यापारियों ने। अब सिर्फ काटन बेच रहे, काटन महंगा आता है तो थोड़ा महंगा ही बिक रहा है, लेकिन वो बहुत अच्छा बिक रहा है। अच्छा, ये बताएं आप कितना फर्क पड़ा है, कितने प्रतिशत फर्क पड़ा है? करीब करीब डेढ़ भाव हो गए हैं, हर चीज़ के डेढ़ भाव हो गए हैं। जो तीन वाली पतंग थी 5 रुपये हो गई यार। तो इस पर कुछ बिक्री पे कोई असर पड़ा? नहीं, बिक्री पे तो कोई असर नहीं पड़ा है। वो तो बिरोबर बिक रहा है, क्योंकि शौकीन लोग तो अच्छा माल ले जाते हैं और शौक अपना पूरा करते ही हैं। अच्छा, यहाँ पर कुछ लोग ऐसे भी हैं जो कि मांझा खरीदने आए हैं, तो आपने जो भाव सुना है इस बार क्या लगा आपको? पहले से ज़्यादा महंगा है। कितना महंगा लग रहा है? पहले से ये मान लो कि अपने को डेढ़ चल रहा है महंगा। तो अब क्या करने वाले हैं आप? अब करना क्या, उड़ाना तो ही सही, लेना भी है। तो ये बताएं आप के जो महंगाई है उसकी मार जो पड़ी है इस पर, तो इससे कुछ त्यौहार पे असर पड़ने वाला? असर तो पड़ना है, थोड़ा बहुत तो असर पड़ेगा इस पर। कितने प्रतिशत असर पड़ेगा? ज़्यादा नहीं, मतलब थोड़ा बहुत ही बढ़ना है। अच्छा, ये 10%। आप किसके लिए ले जा रहे हैं मांझा? ये अपने लिए खुद ले जा रहा हूँ, बच्चों के लिए। बच्चों के लिए? तो क्या कितने हर साल कितना मांझा आप लेते थे? इस बार महंगाई की वजह से कम लिया या उतना ही लिया? पिछली बार से थोड़ा कम लिया है अपने महंगाई की वजह से। ये जो ग्राहक है इनका ऐसा कहना है कि जो महंगाई की मार मांझे पर पड़ी है, पतंगों पर पड़ी है, उसकी वजह से 10% खरीदी पर भी असर पड़ेगा। और व्यापारी भी इस बात को मानते हैं कि इस बार जो पतंग बाजार है उस पर महंगाई का असर है। हालांकि अभी ऐसी उम्मीद की जा रही है कि जो बिक्री है उस पर कोई असर नहीं पड़ेगा, लेकिन फिलहाल व्यापारियों को इस बात की उम्मीद है कि आने वाले समय में जो लोग शौकीन हैं, जो लोग महंगाई को दरकिनार करके और पतंग पे रुचि रखते हुए और जो पतंगबाजी का शौकीन जो लोग हैं वो उनके घाटे की भरपाई कर देंगे। विक्रम सिंह जाट, ABP News, उज्जैन।